क्या बात है, बहुत शुक्रिया, तुम अपना कर्म ना भुलिया करो, बहुत चंगा। जसकरन बाबा जी ने बहुत अच्छे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तुहाडे रूबरू। जसकरन बाबा जी नूं सन्मान दिता जा रहा है मंच के अहुदे द्वारा वालों, जिन्हों के मौजी साहब तरसेम सिंह जी, नेशपाल जी, डॉक्टर कुलवरन जी, पटवारी साहब गुरनेक सिंह दयाल जी, जसपाल चौंकी जी, सिक्योरिटी वाले वीर के बेनती करना कि जहाँ तो उन्होंने वारों बारी सर उन्होंने कलाकार मिला दो, उन्होंने सुनेहा यह मिले कि सानू तंग कर रहे हैं लोग, सो प्लीज सिक्योरिटी वाले वीर थोड़ा जहा गौर कर। ठीक है, जसकरन बाबा जी सुरेंद्र जूके, गुरनेक सिंह सरपंच जी, नरेश पाल सिंह जी, सजीत कौर सरपंच कोट, कमल सिंह सिकंदरपुर, सतनाम सिंह बदन जी, बहुत सारा मान सम्मान उन्होंने दिता। मैं बेनती करा जसपाल जी एक दो पाले थोड़े रूबरू होना चाहते हैं। जसपाल चौंकी जी, चौंकी मेले में दूर दूर तो बीहियां कट के आए बुजुर्ग माताओं भैनों वीरों से निके निके बच्चे, तुम सारे मेले की शान हो, इस मेले का तुम एक आओ तो बहुत तो बाद सिफर लगनिया सारिया। मैं गुजारिश थोड़े अगे करनी चाहना मंच की तरफों, बिल्कुल मेरे राइट साइड आ दो चेयर चेयर दिया लाइन है, ये असी पत्रकार भीर वास्ते लाइया हुई हैं। थोड़े अगे साड़ी गुजारिश है कि ये जड़िया चेयर है इन्हों से प्लीज कृपा करके कोई भी सज्जन बैठने की कोशिश ना करे, तोड़ा एक एक कदम साढ़े सिर मथे पर जो पत्रकार ने वो भी साड़िया सज्जिया खब्बिया बाह ने, लोकतंत्र का चौथा थंब कहते हैं इन्हों, मेरे छोटे व्डे वीर इन्हों में शामिल ने, तो मैं इन्होंने भी गुजारिश कराँगा कि तुम भी साडा साढ़े मथे का ताज हो, थोड़ी बहुती जो कोई ऐसी गल होगी तो प्लीज साढ़े कोऑपरेट करना। तो फिर एक बार बेनती करता मैं मंच कर लूँ कि प्लीज आप पत्रकार भीर हैं एक दो मिनट वास्ते बाहर भी जाना होगा, उस दरम्यान कोई भी सज्जन इन्हों की सीट ऑक्यूपाई करने की कोशिश न करे। थैंक यू जी। हेलो, असी बड़े हैरान हैं, पिछले साल इन्हें रद्दा पंडाल थी बड़ी सानू मुश्किल आई थी, असी ऐतकी उसका दुगना प्लाट खोलिया, दो खेत के पिंड वाले को लाए ठेके से, उन्होंने सानू बेचारे ने फ्री सेवा दी, और फिर भी मैं देख रहा दूर तक ही पंडाल भरया पाया, इधर सड़कों के लोग दीरा कट के आ रहे हैं। मैं डीजीएम परिचार बेनती करना कि उन्होंने असी गुरु घर की बिल्डिंग जी खोल दी है, वो गुरु घर के बिल्डिंग उपर जा सकते हैं, और बंदे प्लीज मेरे जो वीर है वो नहीं जा सकते। हम तो सामने एक बहुत ही वधिया जोड़ी जिनू बिरला टीवी से तुम देख रहे हैं, और उन्होंने पंजाब से ही बल्कि सारी दुनिया में घूमना पाई है, वो थोड़े तो सामने आ रहे हैं। सुचारू जी का भी चलो सत्संग मैं हूँ माइक जोड़ा है मनजीत को दिना, मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना लीडरपुर के दर्शक कर रहे हैं, क्योंकि कलाकार जो बहरले मुल्क जाते हैं उसे थोड़े पिंड की सिफ्तें करते हैं, शौकी मेले की सिफ्तें करते हैं, ये दर्शक उसे बहुत बढ़िया। तो जे मेरी किसी भैन माता बैठने नहीं मिलता वो गुरु घर की जी वार्ता अभी खोल दी है वो उपर जा सकती है, बहुत बहुत मेहरबानी। माइक में मनजीत हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल चौंकी जी, मौजी साहब। जिमें थानू सारू भी पता इस गल का कि पिछली बारी एद थान सी, और अज सारा मंच सारा इलाका और तुम सारे बधाई के हकदार हो। मैं बेनती करता एक बारी आपो अपने नाँ से ताली जरूर मारो, क्या बात है, बड़ा शुक्रिया। तुहाडे आउण करके मेले नूं सफलता मिली है, कोई भी मेला तुहाडे दर्शकां खरोतियां तो बिना अधूरा, तो तुसी सारे सारा इलाका यादगारी सभ्याचारक मंच बधाई का हकदार है, बधाई का पात्र है, असी उहदे विच सफल रहे ने। और एक होर अनाउंसमेंट करना चाहना कि जस्सी स्टूडियो मालपुर जिहड़े कि पिछले 11 सालों तो चल रहा चौंकी मेला मालपुर के भी उन्होंने भी इन्होंने कवर किया हर बारी, और इस बार भी जस्सी स्टूडियो मालपुर तो इस मेले की कवरेज करने
पहुंचे ने, सो इन्हों का भी तहे दिल तो शुक्रिया मंच की तरफों। हुण मैं बेनती करा पंजाब की प्रसिद्ध जोड़ी सुचा रंगीला जी ते बीबा रंजीता जी बिल्कुल तैयार रहन। उन्हां तो पहला हाँ जी सर प्लीज थोड़ा टाइम दे दो सर, बाकी टाइम थोड़ा टाइम। अज की जो अहम रसम जिहड़ा के ताड़िया अमर सिंह शौकी उन्हां दे नां ते अवार्ड दिता जांदा हर साल, इस साल भी यह अवार्ड ढाडी लक्ष्मण सिंह जी चोपड़ा उन्होंने दिता जा रहा है। सो मैं बेनती करा मंच के अहदेदारों जो स्टेज से ढाडी चलमन सिंह जी चोपड़ा जी को लेके आओ और ताकि सम्मान की रसम पूरी हो सके। असी जी आखते हैं रजिंदर सिंह जी मालपुर तो पत्रकार ने और नाल दी नाल पत्रकार टीटू जलवेड़े वाला और गीतकार पप्पू जलवेड़े वाला उन्होंने भी तय दिल तो मंच की तरफों जी आया आखते हैं। मैं बेनती करा मंच के अहदेदारों ताजी लक्ष्मण सिंह जी चोपड़ा जी मंच से लैके आओ ताकि जी अज की अहम रस्म है वह आप पूरी कर सकी। सारे का सहयोग भी नाल रहना चाहिए, जो स्टेज पर खामोशी हो जाए तो थोड़े वालों तो बहुत सारिया ताड़ियां बजनिया चाहिए। नहीं गल बनी क्या बात है, थोड़ा जहा बद रहा काम। कई बार बंदा डर जाता नाल दिया तो घरे का ताड़ियां मट जाता है बेटा। जिवें तुहानू पता है कि पिछले साल एक बहुत ही वड्डा अवार्ड जिहड़ा कि दुनिया के जिहड़ा नाम है, पिछली बार असी ज्ञानी गुरदीप सिंह जी अकालगढ़ जिहड़े कि नछत्तर गिल कलाकार दे डैडी है उन्होंने दिता सी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही साल अमर सिंह शौकी के नाल सारंगी बजाई थी, वो तो भी बहुत साल जिन्हों अज अवार्ड दिता जा रहा लक्ष्मण सिंह जी चोपड़ा साहब उन्होंने शौकी साहब के नाल बहुत साल सारंगी बजाई आ। अज भी वह सारंगी दी तना कढ़ के लोगों को बहुत ही खुश करते हैं, तो इस करके मैं लक्ष्मण सिंह चोपड़ा साहब को बहुत बहुत बधाई देना और तुम सारे को बेनती करना कि जो उन्होंने अवार्ड मिले सारे जोरदार ताड़ियां मारियां। मैं माइक हूँ मनजीत को दिना। ये जो सम्मान दिता जा रहा है तुहाडे सारयां दी हाजरी करके इंटरनेशनल अवार्ड ढाडी लक्ष्मण सिंह चोपड़ा जी नूं दिता जा रहा और नाल दी नाल 5100 रुपए भी इन्हां नूं एक माण वजो दिते जा रहे ने मंच की तरफों। भगत सिंह आजाद जी सम्मान किया जा रहा है तो बड़े यादगारी पल ने, प्लीज हिलजुल करके इस चीज को गवाओ ना। देखो एक बहुत वड्डी शख्सियत के नाम से और एक बहुत वड्डी शख्सियत को सम्मान किया जा रहा है इंटरनेशनल अवार्ड के नाल। जिवें कि असीं तुसीं बड़े फखर नाल कह देईदे कि 8 जनवरी नूं शौकी मेला उन्होंने पिंड लगता है ते और यह भी माण नाल कहा करोंगे कि ऐस की शौकी अवार्ड किस शख्सियत नूं दिता जा रहा। ज्ञानी दीदार सिंह जी नूं सम्मानित किया जा रहा है और मनोज सिंह भारत ढाडी मनोज सिंह भारत ते भगत सिंह आजाद इन्हां नूं सम्मान किया गया और नाल दी नाल मैं बेनती करा एक दो सम्मान होर भी तुहाडे रूबरू स्टेज तों दित्ते जाणे ने और इन्हां तों बाद
ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਘੁਮਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਰੂਪ ਡੀਐਸਪੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁਮਿਆਲਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁਹੰਗੜਾ ਜੀ ਐਕਸ MLA ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੁਹੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਭਜਨ ਸਰੂਪ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਾਇਕ ਜੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਂਗ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਈਆ ਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਂਗ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖਾ। ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੌਂਕੀ ਅਵਾਰਡ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬਾ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸੁੱਚਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਲੰਗਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਲਈ ਔਰ ਬੀਬਾ ਰਣਜੀਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਹੈਲੋ, ਚੈੱਕ ਹੈਲੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੁਝ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ,
मैं सारे को धन्यवाद करता जी नाम लैन लग्या बहुत टाइम लग चुके होंगे सारे ही बहुत वधिया वधिया महान शख्सियतां बैठिया ने सौरां ने रूहां बैठिया ने पेश कर लगा थोड़ी सेवा जी दुकाना जदों की फ्रेंडशिप होगी उहदे विचों गीत है बंदा सारी दिहाड़ी खेतां चों कम करके जट शाम नूं थक्किया होया घरे आउंदा उहनूं आस हुंदी नहीं घर वाली जांदे नूं पुछूगी जी पाणी पूणी पिलाईए पर घर वाली अपनी सस नाल लड़के ननान नाल लड़के गर्म होई पई बंदा समझाउंदा कवलीए बुढ़ी मां की सेवा करिया कर पर घर वाली लड़ लड़ के गर्म होई पई है उह की कहिंदा ते उह की कहिंदी लोक हल शक नहीं करते वो साढ़े बुजुर्ग शैतान ही बहुत है